हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा। द क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और इसको तो आपने अपनी किचन में, अपने रसोई घर में, अपने रसोड़े में तो बहुत बार यूज़ किया होगा, और जिन्होंने नहीं यूज़ किया होगा उन्होंने इसको देखा जरूर ही होगा। हमारे यहाँ इसको सूप बोलते हैं, बाकी जगहों पर अलग अलग नामों से इसको जानते होंगे, जैसे मूरम, बांस सूप, तो ऐसे सुपड़ा, तो कई सारे नाम हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये छोटू सा सूप है जिसको मैं आज कुछ अलग डिज़ाइन करके बनाने वाली हूँ, और इससे हम बहुत ही खूबसूरत सा किचन को सजाने का सामान बना रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें होती हैं घर में हमारे पास जिनको हम रिक्रिएट करते हैं, रिसाइकल करते हैं और कुछ नया बनाते हैं। तो इस पर मैं कर रही हूँ पिच वाई पेंटिंग, और पिच वाई पेंटिंग के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो स्पेशल वीडियो फॉर पिच वाई पेंटिंग बहुत जल्दी आ जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से पेंट कर दिया है, और जब ये ड्राई हो जाएगा तो इसका हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे। और इसके नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं लेने वाली हूँ जूट। बहुत ही आसान सा दिखने को लग रहा है, लेकिन इसको आप जब पेशेंस के साथ बनाएंगे, अच्छे से बनाएंगे, तो आपकी जो रसोई की खूबसूरती है वो और बढ़ जाएगी, और ये बहुत ही अच्छा सा बन के तैयार होगा। कई बार होता है ना कि चीज़ों को हम बहुत सुंदर बना सकते हैं, जो घर में पुरानी चीज़ें पड़ी हैं, बेकार चीज़ें पड़ी हैं, तो वैसे ही है कि जब ये चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, जब हम चेंज करने वाले होते हैं, तो उससे पहले इनको कुछ नया सा करके, अच्छा सा बना के हम घर को अलग तरह से सजा सकते हैं। तो ये मैंने जूट ले लिया है और उसकी कटिंग कर ली है, देन उसके बाद मैंने इसको स्टिक कर दिया है। 3 पॉकेट्स बनाए हैं मैंने जूट के, और उसके बाद अब इसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव बनाते हैं, क्योंकि अगर ये सादा रहेगा तो देखने में उतना खूबसूरत नहीं लगेगा। तो सोचा कि चलो इसके ऊपर थोड़ी सी सिंपल और सोवर सी पेंटिंग करूं, जो इसके ऊपर के पिच वाई पेंटिंग के साथ मैच करती है। तो उसको मैच करते हुए ही यहाँ पर मैं एक इस पर लिखने वाली हूँ कुछ अपनी प्यारी रसोई के लिए प्यारा सा कोट्स। बहुत सोचा, फिर मैंने सोचा कि चलो इसके ऊपर सिर्फ प्यारी रसोई ही लिख देते हैं, जिससे ये और भी खूबसूरत हो जाएगी। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना हमारे पास, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनको हम कुछ नया रिक्रिएट करके और खूबसूरती बढ़ा सकते हैं अपने घर की, अपने रसोई घर की, और अपने बालकनी की, गार्डन एरिया की। तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं, और उन सब खूबसूरत आइडियाज़ के लिए मुझे सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, तो आपको बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आइडियाज़ मिलेंगे, खूबसूरत आइडियाज़ मिलेंगे, जिससे आप अपने घर की खूबसूरती को और बढ़ा सकते हैं। तो सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ फिर कुछ नए वीडियो के साथ, कुछ नए अंदाज में। तब तक के लिए राम राम।